भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मौलाना मदनी और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडी शर्मा ने कहा कि मौलाना भूल गए हैं कि वह भारत में रहते हैं, किसी अरब देश में नहीं रहते। यह देश भक्तों का देश है, अपराधियों का नहीं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई भी अपराधी किसी भी नेता का करीबी हो, उसे शिवराज सरकार में सजा जरूर मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कई नेताओं के बयानों को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मौलाना मदनी के बयान पर कहा कि मौलाना यह भूल गए हैं कि वह भारत में रहते हैं, ना कि किसी अरब देश में। इस वजह से वह ऐसे बयान दे रहे हैं। जिन लोगों का मौलाना मदनी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भारत को लूटा है, भारत की संस्कृति और जमीन पर हमला किया है। यह देश अत्याचारियों और हमलावरों का नहीं हो सकता। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत दोनों 24 घंटे भारत और मातृभूमि की सेवा और विकास के लिए काम करते हैं, इसलिए देश इन जैसे देशभक्तों का है, ना कि विदेशी हमलावरों का। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहां पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आताताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी या देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानी नरेंद्र मोदी जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जो 24 घंटे 365 दिन इस भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके काम करने वाले लोग हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जम्बूरी पर भीम आर्मी के प्रदर्शन पर बोला कि कोई सामाजिक और कोई राजनीतिक संगठन है, कोई भी इस प्रकार के काम करने वाले संगठन बनकर तैयार हो जाते हैं। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, वह अपने प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें, लेकिन शालीनता के साथ रखें। लोगों को हर मुद्दे पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। वीडी शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर बोला कि ऐसे लोगों के आरोपों का जवाब देना प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। नेता प्रतिपक्ष बताएं कि 15 महीनों की सरकार में आपने क्या किया। भाजपा वह सरकार नेतृत्व है जो बदले की कार्रवाई नहीं करती है। अगर कोई गुंडा या अपराधी है तो वह फिर गोविंद सिंह के नजदीक हो, कमलनाथ के नजदीक हो या किसी और के नजदीक हो, इस सरकार में नहीं बच सकते। भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को डकैत मुक्त कर दिया है और गोविंद सिंह के संरक्षण वाले डकैत इस मध्य प्रदेश में नहीं रह सकते। इस दिशा में उनके आरोप और प्रत्यारोप झूठ का पुलिंदा है, वह दिन भर झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों के आरोपों का जवाब देना ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि 15 महीने की सरकार में आपने क्या किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, वो नेतृत्व है कि बदले की कार्रवाई हम नहीं करते। अगर कोई गुंडा है, अगर कोई अपराधी है, तो वो कोई भी हो, चाहे गोविंद सिंह जी के नजदीक हो या कमलनाथ जी के नजदीक हो या किसी के भी नजदीक हो, ऐसे लोग इस सरकार में नहीं बच सकते। जब हमने, हमारी सरकार ने डकैतों को इस मध्य प्रदेश के अंदर समाप्त कर दिया, तो इनके संरक्षण वाले डकैत इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं रह सकते जो गोविंद सिंह जी दिन भर संरक्षण करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।